हम कक्षा 9वीं में सहायक वाचन किताब में पढ़ेंगे, कृतिका किताब से। पाठ का सार, माटी वाली की कहानी। पाठ है माटी वाली। बूढ़ी माटी वाली पूरे शहर में लाल मिट्टी बांट रही होती है और उसका जीवन उसी से चलता रहता है। वह अपने घर के लिए भी रोटी उसी से कमाती है। घरों में लाल मिट्टी लिपाई पुताई के काम आती है। मिट्टी के कनस्तर में रखकर वह घर घर जाकर मिट्टी बेचती है और रोटी को भी गंदे कपड़े में बांध लेती है सिर पे और अपना माटी के लिए देने के लिए निकल जाती है। फिर जब घर पहुंचती है वहां पर माटी देने के लिए, तो वहां मकान मालकिन और उस मकान मालिक उसको चाय पीने को देती है। उसे पीतल के गिलास में चाय देती है। काहे में देती है? पीतल के गिलास में। तो वह चाय फूक फूक कर सुड़कने लगती है और कहती है कि ऐसे पीतल के बर्तन, पुराने बर्तन आजकल कहाँ लोग पुराने चीजों की कदर करते हैं। और कहती है कि जिनके पास जमीन संपत्ति होती है उन्हें ठिकाना नहीं मिल जाता, लेकिन माटी वाली जैसे बेघर है। जैसे वह यह बात किससे कर रही है? मकान मालकिन से, जहां पर वो माटी देने जाती है। कि जिनके पास संपत्ति है उन्हें तो ठिकाना मिल जाता है, लेकिन जिनके पास नहीं है तो वो बेघर जैसे बेचारी माटी वाली। बाल मजदूरों का क्या होगा? अब उसके मन में ये प्रश्न उठता है कि बाल मजदूरों का क्या होगा। फिर माटी वाली उस दिन दो तीन घरों में माटी देने जाकर फिर जाती है और वहां से रोटी लेकर अपने बूढ़ी पति के लिए ले आती है, लेकर लाई थी। वह रोज इसी प्रकार जाती है और फिर घर को आती है और इसी आश्रय में रहता है उसका पति के। लेकिन आज माटी वाली प्याज भी खरीद कर लाई थी। रोज वह रोटी बस लेकर आ जाती थी, लेकिन आज वह प्याज लेकर आई है साथ में कि मैं अपने पति को आज रोटी और प्याज के साथ दूंगी। अभी रोटी सूखी लाती थी तो वो रख लेती थी घर में कि मेरे मैं अपने पति के लिए ले जाऊं, उसको खिला दूंगी। लेकिन आज वह खरीद कर प्याज लाई थी और प्याज कूट कर रोटी के साथ दे देगी, यह सोच रही थी। पर वह घर गई तो उनका पति मर चुका था। यह कहानी एक बेघर स्त्री की है और बहुत ही मर्म स्पर्शी कहानी है, मन को छू जाने वाली। अब हम देखेंगे कि फिर वहां पर एक टिहरी बांध है उस गांव में। तो टिहरी बांध से लोगों को उजाड़ दिया जाता, घर गिरा दिए जाते हैं, है ना? तो लोगों के घर उजड़ जाते हैं। और टिहरी बांध से उजड़ने वाले लोगों से जब साहिब ने माटी वाली से पूछा कि उधर के लोगों का क्या हाल है, तो माटी वाली बोलती है कि माटी खोदा खान का तुम्हारे पास। और वह साहब पूछता है वहां पर जो जाता है देख रेख के लिए कि तुम्हारे पास क्या प्रमाण है, इसका कोई प्रमाण है? उसने कहा नहीं, तो उसे कोई भी मदद नहीं मिलती। और वहां से वह लोग भी अफरा तफरी होने लगती है और घर छोड़कर भागने लगते हैं। टिहरी बांध भरने लगता है और निचले भाग में बने शमशान डूबने लगते हैं। मानसिक रूप से माटी वाली विक्षिप्त हो जाती है और कहती है अपने मन ही मन कि गरीब आदमी का शमशान कभी नहीं उजड़ना चाहिए। अब हम इस वाक्य का इसमें बताया है कि क्या है। फिर है अब प्रश्नों के अभ्यास कि भूख मीठी की भोजन से क्या अभिप्राय है? भूख मीठी की भोजन से क्या अभिप्राय है? तो उत्तर है इस प्रश्न में यह है कि भोजन लोग मीठा या उससे नहीं होता। इस प्रश्न में यह आशय स्पष्ट होता है कि भोजन मीठा या स्वादिष्ट नहीं होता, भूख के कारण भोजन स्वादिष्ट या भूखा होता है। कैसे? कि जैसे बताया है भूख या मीठी। प्रश्न क्या दिया कि भूख मीठी की भोजन से क्या अभिप्राय है, यानी भूख मीठी से भोजन का क्या अभिप्राय। तो उत्तर बताया इस प्रश्न में कि भोजन स्वादिष्ट बनाने से नहीं होता है, भोजन हमारी भूख के कारण स्वादिष्ट लगने लगता है। चाहे वह रोटी हो, चाहे साग के साथ हो रोटी, और चाहे सूखी रूखी हो,
चाहे वह चाय के साथ क्यों ना हो, भूख के कारण है। किसके कारण है? भूख के कारण हमें भोजन स्वादिष्ट लगता है और मीठा लगता है। रोटी का स्वाद वास्तविक में भूख बताया है इसमें। क्या बताया? रोटी का स्वाद वास्तविक में कि हमारी भूख के कारण ही हमें मीठा लगने लगता है भोजन। फिर पुरखों की गाढ़ी कमाई से खरीदी हुई, प्रश्न क्या है? पुरखों की गाढ़ी कमाई से खरीदी हुई चीजों का हराम के भाव में बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता है। इस कथन से क्या भाव स्पष्ट है कि हमारे पुरखों के समय इतनी सुविधा नहीं थी, उन्हें हर चीज पाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती थी और उस समय आदमी आमदनी भी कम होती थी और आवश्यकता भी पूरी करना चाहिए करना पड़ती थी, तो यह आवश्यकताओं को पूरा करना भी कठिन था। उसके बाद भी उन्होंने गाढ़ी कमाई से बचाकर अपनी गाढ़ी कमाई से बचाकर अनेक कलात्मक वस्तुएं एकत्र की हुई थी और आने वाली पीढ़ी के लिए उन्होंने यह संदेश देना चाह रहे थे कि पैसे की बचत लगन और बचत करना पड़ता है। कैसे की कैसे होती है मेहनत या कैसे लगन और बचत का पता चलता है। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न तीसरा। माटी वाली को रोटियों का हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को दर्शाता है? उत्तर है, माटी वाली का रोटियों को गिनना बताता है कि वह बहुत गरीब है और वह रोज कमाती है और खाती है और उसे अपने बूढ़े पते के लिए भी रोटी लेकर जाना पड़ता, उसका भी पेट भरना पड़ता है, इसलिए उसे हिसाब लगाती रहती है वह। फिर है, गरीब आदमी का संसार नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन से क्या आशय है? इस कथन से आशय है कि गरीब आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए वह बार बार सक्षम नहीं होता है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान बसने में समर्थ नहीं रहता, इसलिए उसका घर नहीं उजड़ना चाहिए और वह मारा मारा फिरता है। उसके रहने के लिए स्थान, जहां जिस स्थान में रहता है उधर की मिट्टी बार बार खराब हो जाती है और उसको बार बार मकान बनाना पड़ता है। अतः उसने कहा कि उसे सांस लेने का अधिकार है, होना चाहिए और उसे अंतिम यात्रा तक वहीं रहना चाहिए जहां वह मूल निवास कर रहा होता है। ये प्रश्न आपको